तो ये देखो भाई अपना ये सामने वाला ही होटल है, सामने आपको दिखाया था ना मैंने बालकनी से नैनी लेक, तो ये नैनी लेक है पूरी की पूरी काफ़ी बड़ी है। तो भाई हमने डिसाइड करा है कि थोड़ा सा ना बोट वोट चलाएंगे तो अपना हो गया। ये भैया रेडी कर रहे हैं हमारी बोट, यही मैं बता रहा था आपसे, यही बता रहा था मेरे को बड़ा डर लग रहा है हिल तो ये ना, ये तो यही कह रहा था मेरा, दूसरी वाली कर लो कह रहे हो आप चला नहीं पाओगे, पैरों से चलानी पड़ती है। ये कह रहे हैं हम चलाएंगे आप बैठना खाली बस, चलो ठीक है गार्ड पहनना पड़ेगा, चलो जी चलो पहले आप चलो सर। भाई पानी देखो यार कितना बड़ा, उस मैंने वहाँ देखा भाई इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी इसके अंदर भैया, मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी है ना इसके अंदर। अरे तो भाई हम गार्ड वार्ड पहन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मौसम देखो भाई साहब बड़ा डर लगता है मेरे को पानी से यार, पानी से और एक ऊँचाई से, दो चीज़ें बड़ा डर लगता है भाई मेरे को, माइनस पॉइंट है मेरे। बाकी यहाँ से व्यू देखो यार कितना ज़बरदस्त आ रहा है, अभी तो मैं अंडर वाटर शॉट भी दिखाऊंगा, पानी के अंदर कैमरा डालूंगा, गोपरों के ही फायदे होते हैं। और मैंने वहाँ से भाई मछली देखी थी, मछली पानी के अंदर बड़े झुंड झुंड चल रहे थे, अच्छी खासी बड़ी बड़ी थी, चार चार पाँच पाँच किलो के लगभग होंगी मछलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। ये देखो भाई साहब ये तो कितनी ज़बरदस्त है, ये भाई साहब बहुत सही फील आ रही है, मज़ा आ रहा है, कि ठंडा बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, ऊपर से वहाँ सामने धूप है और वहाँ से पूरा कोहरा है, मतलब यहाँ से धूप रहती है, यहाँ से कोहरा रहता है, वहाँ से अलग मौसम है, वहाँ अलग मौसम है, सारी सारी फील अलग ले लो तुम एक ही जगह पे ना, हर तरह की अलग फील ले लो। कैमरा डालता हूँ देखो तुम्हें दिखाता हूँ, आज अंडर वाटर शॉट चेक करना तुम। रिस्क नहीं लेना। कितने फीट गहरी बता रहे हो भैया? सर कहाँ किनारे कहाँ, वो हम 20 फीट है, वहाँ पे 20 फीट है। अच्छा सर तो यानी का मालूम नहीं, गहराई मालूम नहीं सेंटर की? हाँ 20 फीट सर, नेचुरल पानी आता है सेंटर से। अच्छा कहीं 50 है कहीं 80 है कहीं 100 है, बाकी जो मेन है वो कह रहे हैं मालूम नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा है भाई, वो तो होगी यार नेचुरल पानी आ रहा है कह रहे हैं, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, क्यों क्या घूमने के लिए वीडियो बनाया जा रहा हूँ। कैमरा बिल्कुल फुल हो गया, स्विच ऑफ हो गया, चार्जिंग भी ख़त्म हो गई, देखो कैसे पड़ा हुआ है, देखो ये इसको बड़ा कर रहा था, देखो कैसे गीला हो गया कैमरा बिल्कुल, इसको पानी के अंदर डाला था ना, ये रहा इसके अंदर डाला था शॉट देने के लिए, दो तीन शॉट आए ठीक ठीक, चार चार पाँच पाँच सेकंड के, बाकी स्विच ऑफ हो गया, चार्जिंग ख़त्म हो गई, मैंने कहा पहले बना लेता हूँ, फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। बाकी ये सारे टू जेड होटल ही होटल बने हुए हैं, ये सारे होटल ही होटल हैं यहाँ पर, ये रहे ऑफिस भी हैं भैया, होटल भी हैं और घर भी हैं, सारे ही हैं सब कुछ है। अरे भैया ठंड भी तो इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी क्या कल भैया वो बर्फ़ गिरी थी, ओले गिरी थी बजरी, अच्छा कल ओले बजरी गिरी थी, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ की पूरी फील दे रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है, नैनी लेक है तो बढ़िया भाई साहब, पहले मैं इसे बैठ नहीं रहा था, मैंने कहा यार हिलती है कहीं, इधर बैठो ना, अगर इधर बैठो तो इधर मूव करेगी, इधर बैठो तो इधर मूव करेगी, तो इसलिए मना कर रहा था, पर ठीक है अभी सेंटर बैठो तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ रहा है, ठंडी सी लग रही है, बहुत गलन है। आप भी कस्टमर को लेकर आते हो वहाँ से और आप बोटिंग भी आप ही करते हो, ये आपको ये रखी है जिम्मेदारी क्या? अच्छा मतलब अपने ऊपर है, जितने लाओगे आप उतने वो, अच्छा हाँ चलो सही है, फिर मेहनत भी तो कर रहे हो ना इतनी, देखो ना कितनी, हाँ महीने का होता फिर वही है ना कि
महीने का इंतजार करो, इंतजार करो फिर वो आने का। अभी ये अपनी मर्जी के ऊपर है, जितने लाओ उतना बढ़िया। हाँ सही है, जितने लाओगे तुम्हारी मर्जी, बस तुम्हारे ऊपर है। रेट सबकी यही है 420 रुपए। ये भैया 420 का क्या हिसाब है? अच्छा 320 420। मतलब यहाँ का जो टिकट का प्राइस है ना, हाफ नैनी लेकर हम आधी घूमेंगे तो 320 रुपए का है, फुल घूमेंगे तो 420 रुपए का है। वही मैं कह रहा था, पूरी बोट का होता है। हाँ सॉरी, पूरी बोट का होता है, मतलब एक बोट में से तीन जने ही बैठेंगे। तो जो ये वाली दो बड़े दो बच्चे हाँ, बाकी हम तीन है भी तो आराम से बैठ गए, इजीली कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक दूसरी बोट भी थी जो पैरों से चलाते हैं, उसका भी कुछ नाम है, बत्तख जिसने बनी होती है डक वगैरह टाइप की, तो वो पैरों से खुद चलाओगे। भैया कह रहे कि चलो मैं आपको ये वाली चलवाऊंगा, मतलब मैं खुद ही चला लूंगा, चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम भी थोड़े आलस के मारे हमने कहा भैया ठीक है। बर्फ के टाइम तो भैया पूरा ढक जाता होगा ना, ये बर्फी बर्फ बर्फी बर्फ। हाँ कि भैया है बहुत बढ़िया, ये है आज से कल तक बर्फ गिर सकती है, मौसम होता है। कल गिरे थे, कल की थोड़ी गिरी थी, कल ज्यादा नहीं गिरी थी। वहां नहीं लेके जा रहे भैया, वो पूरा चक्कर जा रहे। तो पूरा चक्कर ही तो लिया है, पूरा चक्कर लिया है, हाफ लिया है, कितने टिकट है? हाफ लिया है आपने? अरे बता तो दीदी, पूरा लेना था ना। चढ़ाए जा रहे हैं, मुझे लगा फुल लिया है। भैया मछली देख लेते ना तो पैसे वसूल हो जाते। हाँ किनारों से दिख रही थी, वो साइड में झुंड जा रहे थे। इसमें भैया कौन कौन सी मछलियों की वैरायटियां पाई जाती हैं? इसमें मांस शेर है, गोल्डन कलर की है, और एक ये है सिल्वर कार्प है। सिल्वर कार्प? अच्छा वो सिल्वर कार्प ही देखी थी। और वो भी होती है, रोहू होती है, मंगूर नहीं है, मांगूरा यहाँ शाकाहारी मछली मांसाहारी मांसाहारी नहीं है। ये क्या चल रहा है? ये क्या है भैया? मछली निगरानी के लिए रखा है। निगरानी के लिए? इसकी निगरानी है, जैसे पानी कितना साफ हो रहा है, क्या पानी का चलना चाहिए। अच्छा ये देखेंगे इससे कि निगरानी पानी की कितना साफ है कैसा है। होटल से देखोगे जैसे नीचे बुलबुले पानी उठ रहे हैं, जैसे आपको लग रहा होगा पानी नीचे आ रहा है, वो ऑक्सीजन प्लांट डाल। अच्छा अरे ये असली का बैठा हुआ है ये? और क्या नाम है? हाँ असली का मुझे लगा ऐसे कोई ऐसे बिठा रखा है। ये पानी में इधर उधर घूमता रहता है पूरे में ये ऐसे ही? नहीं नहीं ये जो इतना बड़ा सा ये रखा हुआ है पूरे पानी में घूमता रहता है ऐसे ही? अच्छा एक ही जगह पे रहता है। बाकी इस वीडियो को ना मैं सेपरेट अपलोड करूंगा अलग से, और इसका लिंक मिल जाएगा आपको। सेपरेट मतलब इस वीडियो को डाल दूंगा आपने देख लेना, बाकी वीडियो अलग से डाल। उनको बड़ा पता है टिकट पड़ेगा। तो वाइस वीडियो को ना मैं सेपरेट अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप देख लेना, क्योंकि यार इस वीडियो में और भी इसके साथ अपलोड करूंगा तो ये इतनी बड़ी हो जाएगी, ये बनाई इतनी बड़ी है, इसका अलग देखने में अलग ही मजा आएगा। क्योंकि यार नैनी लेके बड़ी फेमस है नैनीताल की, और वो सामने मैंने बताया था ना जैसे कि होटल है, वो सामने अपना होटल है सामने की साइड, वहीं से आपको यहाँ से ना जाने के बाद होटल में उसके बाद भी दिखाऊंगा, दोबारा से लेके दिखाऊंगा अपने नैनी लेक जहाँ मैं घूम रहे ना, भी दोबारा दिखाऊंगा वहाँ से जाने के बाद। अपने होटल का नाम था होटल पैलेस, पैलेस नाम है अपने होटल का, वहाँ जाके भी आपको चेक करवाऊंगा। यार काफ़ी बड़ी लेक बनी हुई है ये भैया, इसके अंदर पानी आया कहाँ से रहा है? जमीन से ही आ रहा है। हाँ भाई झरना वरना लगा होता वहाँ से बह के आ रहा होता, जमीन से निकल रहा है पानी। सही है हाँ भाई, तो पानी सही है यार, और मछलियाँ भी ऐसे बड़ी बड़ी हैं, भारी भारी। अपना जो है ना भाई साहब, यहाँ से आधा चक्कर पूरा हो गया, अब कोशिश करूँगा कि आपको कॉर्नर से मछली दिखा दूँ, अगर वो दिख गई ना तो बढ़िया हो जाएगा भाई साहब।
अभी मैंने देखा था पूरा झुंड जा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी उसके अंदर, चार चार पाँच पाँच किलो की एक एक मछली होगी वो लगभग। एक बार दिख जाए ना फिर दिखाता हूँ, तो ऊपर जाके दिखाता हूँ जहाँ से मैंने देखा था। अभी जाके कोशिश करता हूँ दिखाने की। भैया ये बता रहे थे कि बीच में तो दिखती नहीं, कॉर्नर कॉर्नर में दिखती है, तो कॉर्नर में जा रहा हूँ तुम्हें दिखाने के लिए मछलियाँ। दिख जा ये माल रोड पूरा की पूरा बिजी रहता है सारा की सारा। सीजन के टाइम तो भैया यहाँ पे तो मारा मारी रहती है ना, ऑर्डर मिलता है ना कुछ मिलता है। ये देखो इन मछलियों की बात कर रहा था, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। वो जा रही सब लाइन से जाती हैं, ये सारी लाइन से जा रही हैं सारी। दिखाता हूँ एक आध बार आगे से दिखाता हूँ देखना तुम्हें। ये सारा झुंड इनका एक ही साथ चलता है। अरे भाई गायब हो गई मछलियाँ, गायब हो गई। ये आ गई ये इसके अंदर है, ये दिख रही है मेरे को यहाँ से, ये दी। तुम्हारे पूरे पैसे वसूल करके जाऊँगा मैं आज, मतलब अपने पैसे वसूल करके जाऊँगा और बजे तुम्हारे को दिलाऊँगा। ये देखो शायद दिख रही होगी, बाकी मेरे को तो दिख रही है, कैमरे पता नहीं प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि यार अपना GoPro ना बस बैटरी लुल हो गई इसकी। ये देखो भाई काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इसके अंदर, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये देखो शायद शो हो रही हो इसके अंदर, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। बस मुझे लग रहा है कि बस इधर जाती है इतने से में और फिर इधर जा देती है बस, बाकी लेक में इनका कोई काम नहीं है, बाकी कॉर्नर कॉर्नर इनको खाली दे रखा है सरकार ने। ये देखो भाई अपना रूम हो गया, और यहाँ से लेक का भी देखो कितना बड़े दिखता है। यहीं पर हम अभी बोट चला रहे थे भाई, मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था कि यहीं पर रूम है इस तरफ, तो यहाँ से लेक का व्यू देखो ना भाई साहब कितना बढ़िया आ रहा है रूम से। ये मतलब ये अपनी विंडो को यहाँ से खोलने के बाद लेक का व्यू जो आता है ना भाई बहुत मज़ेदार आता है, बहुत मस्त। बाकी अभी तो जा रहे हैं मॉल रोड पर शॉपिंग करने के लिए, बस मैं थोड़ा सामान वामान रखने के लिए आया था, तो वहाँ जा रहा हूँ, फिर आपसे वहाँ देखेंगे क्या क्या लेंगे, क्या शॉपिंग करेंगे और क्या खाना पीना होगा। चलते हैं वहाँ पे, वहाँ चेक करते हैं आप चल के। दिल्ली वाले लड़के हैं, जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा, तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डालेंगे।